विधानसभा निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छतरपुर में अब तक 12 प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। सोमवार को छतरपुर विधानसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी ललिता यादव, राजनगर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और चंदला के कांग्रेस प्रत्याशी हरप्रसाद अनुरागी ने लपकुशनगर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ललिता यादव ने छतरपुर के आरओ कार्यालय यानी तहसील में जाकर अपने सीमित समर्थकों और भाजपा नेताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। माना जा रहा है कि यह उनका मुहूर्त फॉर्म है। कुछ दिनों के बाद वे अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए फॉर्म भरेंगी। इसी तरह राजनगर से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया ने भी अपना फॉर्म दाखिल किया है। वहीं छतरपुर की चंदला विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हरप्रसाद अनुरागी ने भी लपकुशनगर के तहसील कार्यालय में अपने समर्थकों एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर हरप्रसाद ने कहा कि उनकी चुनावी प्राथमिकता क्षेत्र के किसानों को सिंचाई साधन उपलब्ध कराना है। और युवा सभी लोग मेरे साथ तत्परता के साथ जो आए हैं, ये सब कांग्रेस का एक परिणाम है और उत्साह है। आने वाले समय में हमारी पार्टी बहुत अच्छे मतों से और भारी से भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। क्या है जो इसके पूर्व में जो विधायक पार्टी प्रजापति ही रहे, उनने झूठे वादे दे करके गौ संरक्षण वाला, ये सबसे ज़्यादा उनने ऐसा किसान परेशान थे, सब लोग परेशान थे, ये झूठा मुद्दा उठा करके जो जुमले दे करके आए हैं और बाकी उन्होंने किया कुछ नहीं। हमारा स्थानीय मुद्दा क्या, एक बहुत बड़ा हमारा मुद्दा है कि हमारा जो गौरिहार और बारीगढ़ सर सिंचाई के साधनों से वंचित है। हम सबसे पहले गौरिहार और बारीगढ़ का एरिया जो अछूता रह गया उसके लिए हम सिंचाई के संसाधन अपने किसान भाइयों को लाएंगे और हमारे लोगों को खुशहाली होगी, ये हमारा लक्ष्य होगा।